हम एक दूसरे से सीखते हैं, और जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि बहुत ही उत्तम प्रबंध किया गया है प्रयागराज में। इससे पूर्व में हमने भी जो कुंभ किया था तो प्रयास किया था कि जो करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं उनकी अनुभूति बहुत सुखद हो, और जो प्रयागराज में कुछ अच्छे प्रयोग किए गए हैं उसे देखने का अवसर प्राप्त होगा जी और उनमें से कुछ चीज़ें हम यहाँ भी लागू कर सकेंगे। सर, इस बार नहीं, उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन किया जा रहा है उसमें हर प्रकार का सहयोग दिया जा रहा है, और ये सहयोग आज का नहीं है, ये सदियों से सहयोग इन दो स्थानों के बीच में रहा है। इस समय जो हमारी ओर से सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त मात्रा में पानी जाए जी और पानी साफ पानी वहाँ पर जाए, जी निर्मल पानी जाए, और उत्तराखंड राज्य की ओर से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में पानी वहाँ पर पहुँचे और वह एकदम निर्मल पानी पहुँचे। वैसे भी नमामि गंगे के अंदर समय समय पर जो पानी के सैंपल्स की जांच होती है जी उसमें फिलहाल उत्तराखंड में जो गंगा जल है वो जी सबसे अधिक पवित्र और निर्मल है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रयागराज के कुंभ में हमारी ओर से साफ पानी ही जाएगा और वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उसका पूरा उपयोग करेंगे।